आजादी के जश्न से ठीक पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश। डोडा जिले में मिला हथियारों का जखीरा। पूरे देश में आजादी के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। कश्मीर में भी ये तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीनगर का लाल चौक तो तिरंगामय हो चुका है। जी हाँ, ये वही लाल चौक है जहाँ तिरंगा फहराने से भी लोग डरते थे, और शायद यही बात आज आतंक परस्त पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। एक तरफ जहां आज पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मना रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले आतंकी किसी साजिश को अंजाम देने की पूरी फिराक में हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से यह हर बार नाकाम हो जाती है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कल भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। डोडा जिले के सरोला जंगल में ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय सेना ने बताया कि जंगल में गुप्त जगह से एक चीनी पिस्टल, एक 12 बोर राइफल, दो देसी हैंडगन, 5 चीनी ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किया गया है और आगे की जांच चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले आतंकवाद की राह पर निकले मुजम्मिल शाह को पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त अभियान में पति मोहल्ला मालमर के कुल्ला वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से एक ग्रेनेड, एक मैगजीन और AK-47 राइफल की 30 गोलियां मिली थी। आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि किस तरह से जम्मू पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है, आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हर बार नाकाम किया जाएगा, क्योंकि ये नया कश्मीर है और नए कश्मीर की तस्वीर लगातार बदल रही है। फिलहाल देखना होगा कि आतंक परस्त पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।